आपके पॉइंट ऑफ व्यू में वो फिर भी हमना को क्यों तंग किए जा रहा था? मैं तो बल्कि कहता हूँ कि हरास किए जा रहा था, आई और थिंक वो उस उसने हमजा जी करना को, तभी छोड़ा है जब उसको अब ये पता चला है कि अजीम नोज द ट्रुथ। अगर अजीम को सच पता ना चलता तो शायद हमजा उसको अभी भी तंग नो कर नो रहा नो होता। नो, उसने ये करना तब छोड़ा है जब उसको रियलाइज हुआ है कि ओके आई एम इन लव विद रूमी नाउ. बट वो तो उसको अब पता चला जब रूमी प्रेग्नेंट हुई है। नहीं, वो जब उसको सच बताने जाता तो उसके सामने होता है कि अच्छा ये तो ये हो गया. या बट लाइक फ्रॉम द व्यूअर्स पर्सपेक्टिव, जब मैं ये ड्रामा देख रहा था, तो ये जो आप जिस डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, ये डेवलपमेंट हुई है जब अजीम को हमना ने सच बताया। अजीम को जब सच पता चला है, एंड उसके बाद अजीम व्हेन लाइक यू नो स्टूड अप टू हमजा, दैट इज ऑल्सो वेन हमजा सॉर्ट ऑफ हैज फॉलन इन लव कन्वीनियंटली, विच इज वाई ऐसे कि थोड़ी जो राइटिंग है यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ी सी फ्लॉड है, एग्जीक्यूशन भी, बिकॉज फ्रॉम व्यूअर्स पर्सपेक्टिव अब ऐसा लग रहा है कि इट्स वेरी कन्वीनियंट कि एज सून एज हमजा फाउंड आउट द ट्रूथ, और एज सून एज अजीम फाउंड आउट द ट्रूथ अबाउट हमजा, नाउ ऑल ऑफ अ सडन हमजा इज ऑल्सो फॉलिंग इन लव विद रूमी, एंड ही वॉन्ट्स टू टेल हर द ट्रूथ ऑल्सो। बट उससे पहले तक मतलब वो हमना को तंग कर रहा था। नो आई उसने डोंट. मैसेजेस भी देखे तब डिलीट किए हैं जब अजीम स्टैंड्स अप टू हिम, उससे पहले मैसेजेस उसने नहीं डिलीट किए मे थे। बी बिकॉज ही इज ऑल्सो स्केयर्ड कि अब इन दोनों को पता है, अब अगर ये लोग रूमी को बता देंगे देन इट ऑल बी ओवर, द ड्रामा विल बी ओवर. सो दैट इज अनदर थिंग कि उसने मैसेज डिलीट कर दिए, नाउ ही इज रिट्रीटिंग, कह रहा है कि भाई अब सुलह करते हैं. बट इट्स टू लेट नाउ, इट्स टू लेट नाउ. और हम ना तो मतलब अब तो चीजें बहुत जरा गौर ने कहा था ना, अब रोलर कोस्टर राइड अब शुरू हो रही हाँ, है. मुझे बीच में लगा पेट्रोल खत्म हो गया शायद उसका, वो चल ही नहीं रही थी, लेकिन अब हाँ पिछले 2 एपिसोड से। और ये आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की है कि इट्स टू लेट। गौहर इन माय इंटरव्यू सेड के इट्स नॉट टू लेट, वो ऑब्वियसली अजीम के पर्सपेक्टिव से बात कर रही, बट आपने ये जो बोला इट्स टू लेट, ये हमना कह रही है या ये हमना रमशा कह नहीं रही नहीं है? हमना कह रही है. हमना कह रही है, और हमना ये कह रही है हमजा और रूमी की इक्वेशन को लेके। हमजा को लेकर कि हमजा जो अब रिट्रीट कर रहा है तो इट्स टू लेट नाउ. बिकॉज सी द थिंग इज दैट मैं तो एज माय कैरेक्टर हमना अगर आपको बोलूं तो ये कि उसने इतने टाइम उसको टॉर्चर किया, इतने टाइम टॉर्चर किया. हनीमून पे गए, हनीमून भी नहीं सही से इन लोग अपनी वो रूमी के साथ ही वाज यू नो लाइक हैविंग फन, मजाक मजाक हो रहा था एंड ही केप्ट टॉर्चरिंग हमना थ्रू आउट. तो इवन दो ही द इक्वेशन वाज बिल्डिंग अप बिटवीन हमजा एंड रूमी, लेकिन फिर भी ये सब चीजें हो रही थी. अब इतने टाइम बाद अगर वो रिट्रीट करेगा तो हमना थोड़ी कहेगी हाँ बस ठीक है भाई तुम ठीक तो है. हमना तो नहीं छोड़ने वाली हमजा को। हमना हमना कब आ गया गुस्सा? अब हमना बोलेगी, अब हमना बोलेगी, अब हमना बोलेगी। अब हमना डेफिनेटली पिछला बोलेगी. जो एपिसोड था बड़े एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे खत्म हुआ, वेयर रूमी फाइंड्स आउट, जी. अलिशबा गोज एंड टेल्स रूमी दैट के वाज अ भाई, वेरी गुड सीन, वाज अ वेरी गुड वेरी गुड सीन, सीन. या वाज अ वेरी गुड सीन। बट अब अगले एपिसोड के प्रोमो में ब्रीफली हमने ये देखा, और विच इज वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फायरवर्क्स, के रूमी कन्फ्रंट करती है हमना को और पूछती है उससे कि हाँ भाई कितने सालों से तुम जानती हो हमजा को। तो अब आप थोड़ा सा हमें, मैं ऑब्वियसली ये तो नहीं चाहता कि आप स्टोरी रिवील कर दें किसी के लिए भी, बट क्या हम वाकई में फायरवर्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां पे? वहां पे हमना बोलेगी, बात का इजहार करेगी, या फिर खामोशी इख्तियार कर लेगी? नहीं, हम ना बोलेगी. आई एम नॉट श्योर कि ये बिकॉज ब्रदर भाई ऑलवेज सरप्राइजेज विद अ लॉट ऑफ एवरीवन. फ्लैशबैक्स एंड नहीं, देन सी एक्सटेंडिंग द सीन। नो, सी आई लाइक आई टोल्ड यू फ्लैशबैक्स आर देयर. सो यू नो सम पीपल, कुछ लोग बाद में देख रहे होते हैं इश्किया, तो उनको ये होता है कि अच्छा ये पहले हो चुका है, ये हो चुका है. ऑब्वियसली फिर उन लोग के लिए तो फिर वो होगा ना जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं कि यार ये तो हमने देखा हुआ है. बट सम पीपल आर जो आपके रिव्यूज देखकर कुछ लोग कहते होंगे कि हम भी इश्किया लगाए, हाँ। जरा हसन को बहुत पसंद है, हसन का फेवरेट मेरे शो ख्याल में ये है. सोल रीजन है कि भदर भाई फ्लैशबैक्स डालते हैं, क्योंकि हसन एग्जैक्टली. रिव्यू करता है और फिर हसन के रिव्यू के बाद लोग देखते हैं, तो वो लोग नहीं डिसअपॉइंट ना हो। नहीं मैं बदर भाई से बात करूंगी, मैं और गौहर दोनों मिलके बात करेंगे कि बदर भाई हसन के लिए आप फ्लैशबैक्स नहीं डालें. ओके, सिर्फ हसन के भाई लिए. गौहर ने तो अभी तक उनको मेरा मैसेज नहीं पहुंचाया, नहीं, क्योंकि गौहर ने पहुंचाया फ्लैशबैक्स बढ़ होगा. गए हैं पहले से। नहीं, अच्छा, आपको लगता है कम हुए? हाँ, आई थिंक स्टोरी तो पिछले 2 एपिसोड से इज बड़ी एस्केलेटिंग लाइक. नहीं, बड़ी है वाकई हाँ में, हाँ बड़ी। तो
तो अब कमिंग बैक टू द अभी ये जो होगी इनकी इंटरेक्शन हमना की और यस हमना बोलेगी आई एम नॉट श्योर कि इस एपिसोड में जो अपकमिंग एपिसोड है उसमें अपने आप को क्लियर करेगी बट जरूर करेगी और वो भी एक सीन है जिसको मैं देखने के लिए बेताबू क्योंकि हानिया ने बहुत अच्छा काम किया उसमें आप सारा क्रेडिट हानिया को और अलिशबा को और गौहर को और फिरोज को दे रही हैं आप खुद कोई क्रेडिट नहीं ले रही इसकी क्या कौन एक्टर कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है आई मीन आई एम ऑलवेज वेरी क्रिटिकल ऑफ माई ओन वर्क और आप जिन्होंने भी क्रिटिसाइज किया हमना को मैंने मुझे बुरा नहीं लगा मैंने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लिया और yeah, बस Do you think it was fair, the criticism that you got for Hamna? I didn't perceive Hamna, you know, like that. कुछ लोगों को नहीं समझ आई तो उनको नहीं अच्छी लगी that's fine. But कुछ लोगों को समझ भी आई असल कॉमेंट्स मेरे पड़े हैं डिबेट चल रही होती कभी कभी कुछ लोगों को समझ भी आई हमने नहीं समझ तो बहुत लोगों को आई और ये गौहर ने इंटरव्यू में भी मेरे भी बात की थी कि ऐसे लोग होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं जो बात नहीं कर पाते आप यकीन करें मैंने पहले भी आई थिंक इंटरव्यू में बोला डेजा वो टाइप हो रहा है बट मेरी बहन शी इज लाइक अ ईयर यंगर देन मी वो मुझसे इतने सीक्रेट्स छुपाती है अब तक मुझे नहीं पता चलता तो देयर आर सिबलिंग्स बाय द वे जो सब कुछ शेयर नहीं करते सो बट इन रियल लाइफ चलो दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग इन रियल लाइफ आर यू लाइक The roomy sort of a sister or a hamna sort of a sister? No, I'm none. I'm not. You neither. I'm not too bubbly. I'm not too quiet. Haan, I am. I'm more of my Samia, the upcoming drama wale. I'm more of like, you know, that character. I'm more blunt. मैं वो bubbly as such नहीं हूँ, बस मैं blunt हूँ जो हमना से आप relate करती हैं ऐसे किसी नहीं बट सी दैट्स द थिंग ना मुझे एक्टिंग का शौक इस वजह से चढ़ा कि यार आप कैरेक्टर्स की लाइफ और उनकी उनके जो जिंदगी में इवेंट्स होते हैं आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं मैं आई कांट रिलेट टू हमना एट ऑल हाँ मैं कन्फ्रंट नहीं कर सकती कन्फ्रंटेशन से मुझे डर लगता है अगर मैंने कहीं पर कुछ गलती की है तो आप प्लीज बस दूर रहकर मुझे माफ कर दें जस्ट डोंट कन्फ्रंट मी मुझे बहुत डर लगता है ये एक चीज है बट वो क्वाइट रहना नहीं पठान हूँ मैं तो फॉरेन में तो गुस्सा चढ़ जाता है लेकिन नहीं नथिंग लाइक हमना बट इट वाज गुड टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट टॉकिंग अबाउट अ बिट ऑफ केमिस्ट्री बिटवीन हमना एंड अजीम ये थोड़ी सी लैकिंग नजर आती है फ्रॉम द व्यूअर्स पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसा लगता है या नहीं मुझे बताएं वो कहां क्या कैसे एंजॉय करें मुझे ये बता दें एक मुसीबत खत्म होती है हमना की जिंदगी में फिर दूसरी शुरू हो जाती है अब उसको कहाँ से टाइम मिलेगा अपने शोहर से हालचाल पूछे चाय वाय पिलाए कहाँ टाइम मिलेगा पहले हमजा उसको थ्रेट्स दे रहा है ये सब चीजें कर रहा है फिर अब अजीम को पता चल गया तो अजीम उससे देखें हमजा ने भी तो टाइम निकाल ही लिया ना इतने सारे थ्रेट्स देने और इतने इधर मसले मसाइल में घिरे दैट्स व्हाई हमजा इज योर ट्रेजिक हीरो नॉट माय ट्रेजिक हीरो एट ऑल बट यू सी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हमना और बेचारे अजीम की कॉन्वर्सेशंस तभी हो रही होती है जब हमना या बाथरूम जा रही होती है या बाथरूम से आ रही होती है ये एक और मिस्ट्री है इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करें व्हाई डज हमना गो टू द बाथरूम सो मच लाइक आई मीन सीरियसली हैव यू नोटिस गो टू बाथरूम मे बी उसको बार बार मुंह धोना हो आई कांट आंसर दिस आई मीन होंगी कहीं Just for fun, yeah. On a lighter note. On a lighter note. मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश करता हूँ कि देखिए हमना का पेट खराब था ठीक है कुछ लोगों को तो लगता है उसका दिमाग खराब था नहीं यार पता है हमना को प्लीज हमना का दिमाग खराब नहीं था हमना इज शी इज सोशली ऑकवर्ड यार यू नो मुझे इतना समझ में आता है कि एक लड़की है वो सोशली ऑकवर्ड है या यू नो कॉय है शाय है वो नहीं अपने पेरेंट्स को ये बता सकती कि आई एम इन लव विद समबडी दैट बिट इज अंडरस्टैंडेबल बट फॉर हर टू अलाउ हर सिस्टर टू गेट मैरिड टू अ पर्सन शी नोज इन लव विद हर That is the bit that I find a bit problematic. मतलब इतना इतनी कोई खामोश आपको क्या ऐसा लगता है as the actor portraying हमना इतनी कोई खामोश लड़की हो सकती है कि अपनी बहन को एक तरह से वो सैक्रिफाइस कर दे अब तो चलो खुश है अब तो हमजा को प्यार हो गया रूमी से बट एट दैट पॉइंट इवन हमना didn't know कि हमजा करेगा क्या सो वो जो एक प्लॉट पॉइंट है ना वो मैं अभी तक मैं नहीं समझ सका
सी हमना के परस्पेक्टिव से तो ऑब्वियसली हमजा ने उसको थ्रेट किया था कि मैं तुम्हारे मैसेजेस भेज दूंगा अजीम की फैमिली को, तुम्हारे माँ बाप की फैमिली को, और उसको पता था कि हमना के जो अबू हैं उनकी जरा कॉम्प्लिकेटेड हालत है. सो शी कुडंट रिस्क दैट. दूसरा तो ये दैट व्हेन रूमी गॉट मैरिड टू हमजा तो हमना वॉज ऑन हर टोज. उससे पूछना कि क्या हुआ जो इफ यू रिमेम्बर, अगर आपने शुरू से देखा हो तो सारा मैंने देखा, देखा है फिर हाँ. आप आपको पता होगा कि रूमी आती है, वो कहती है कि बहुत अजीब आदमी है, शादी के पहले दिन के बाद तो हमना क्या हुआ, क्या किया उसने, तो शी इज ऑलवेज ऑन हर टोज बिकॉज ये उसको भी पता है कि इट्स अ साइलेंट वॉर समझ लें बिटवीन हमजा एंड. एक दो बार जैसे वो अपने दोस्त से बात करी, मैंने एक बार बोला भी कॉलेज में कि मैं उसको अपनी बहन की जिंदगी नहीं बर्बाद करने दूंगी व्हाटएवर, बट वो तो तब जब तुमने शादी करने दे दी, मतलब यू नो व्हाट आई मीन, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है बट एनी anyway.